स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स की मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे अच्छा मेटेलिक सॉलिड्स भी हमारे पास एक टाइप आ जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ठीक है तो मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर हम मेटेलिक सॉलिड्स में देखने तो, uh, से आयनिक और कोवेट सॉलिड्स थे वो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पेक्टिवली से बने हुए थे इसी तरह मेटेलिक सॉल्ड जो होते हैं वो सॉलिड्स uh, जो होते हैं वो हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग से बने होते हैं ठीक है ये मेटेलिक जो होती है बेसिकली हमारे पास बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करे होती है ठीक है और ये हम देख लेते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग होती है इसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स की हम यहाँ पर जो बेसिकली स्टडी करेंगे वो मेटेलिक बॉन्डिंग के लिहाज से स्टडी करेंगे ठीक है तो ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ये किस तरह की होती है इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि बहुत सारी थ्यूरीज सजेस्ट की गई तो उन थ्यूरीज को हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ देखेंगे थ्यूरी नंबर वन जो है ये हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन सी थ्यूरी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी यहाँ पे ये किस तरह की थ्योरी होती है इसमें क्या होता है ये हम देख लेते हैं इसमें ये होता है कि हमारे पास अगर मेटल का एक टुकड़ा मौजूद हो ठीक है फर्स्ट करें मेटल के टुकड़े के अंदर हम झांक रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट मेटल के

बीच में आ गए ठीक है इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब देखिए इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा ठीक है चार्ज कौन सा आ जाएगा इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर भी पॉजिटिव ठीक क्योंकि अगर हमने कहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है तो इस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ठीक है इस तरह से ये सारों पे आ गया तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये अब जो मेटल के एटम्स थे बेसिकली उस टुकड़े के के अंदर वो मेटल के के बन गए हैं ठीक है ठीके? और इलेक्ट्रॉन्स इनके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ठीक है बेसिकली होता क्या है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर कहा है लेकिन होता क्या है कि जो इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने यहां पर रिलीज कर देते हैं ठीक है तो इस तरह से इन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हुए हैं तो खुद इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया ठीक है तो ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए उससे पता चलता है और बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब ये इलेक्ट्रॉन्स का पूल बन गया इलेक्ट्रॉन्स का सी ये बन गया ठीक है थीके? तो इसलिए अब इसको हम कहते हैं सी इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी लेकिन अगर इसके अंदर हम गौर से देखें यहां पर हम इसको थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये मेटल का पॉजिटिव आयन आ गया ठीक है फिर ये मेटल का पॉजिटिव आयन आ गया ये एक और मेटल का पॉजिटिव आयन आ गया ठीक है इसी तरह यहां पर नीचे भी एक मेटल का एक पॉजिटिव आयन मौजूद है इस तरह मेटल का पॉजिटिव आयन मौजूद है बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन्स का जमघट्टा है मौजूद है इतना ढेर सारा ठीक है तो ये हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद है अब होता क्या है कि इनके दरमियान में यहाँ पर आ जाएंगी बॉन्डिंग्स बॉन्डिंग्स किस तरह की होती है ये हम देखेंगे यहाँ पर कि अब देखिये ये ये जो हमारे पास केटाइन है ये पॉजिटिवली चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे है जबकि इसको तो ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहे है और ये वाला सिर्फ इसको तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा इसको भी कर रहा है ठीक है ये भी इसको कर रहा है ये भी इसको कर रहा होगा फिर ये इसको भी कर रहा है ठीक है ये इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा है ये इसको भी कर रहा है ठीक है तो इस तरह डिफरेंट ये हम देख रहे हैं कि इंटरेक्शन इस तरह से ही आ गए ठीक है और ये क्या आ गए बॉन्डिंग्स आ गए इनको ये हमारे पास पूरी की पूरी हम देख रहे हैं इस तरह से अट्रेक्शन आ गई एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन आ गई ठीक है तो मेटल के टुकड़े में ये इस तरह की अट्रैक्शन आ जाती है और इस तरह की अट्रैक्शन को और इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं ये ओवरऑल जो हमारे पास कहलाता है वो क्या कहलाता है इसके अंदर जो आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगी ये हमारे पास कहलाएगी मेटेलिक बॉन्डिंग ठीक है इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग और ये हमारे पास क्या थी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ठीक है ये हमने कहा इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ ठीक है और नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है ये हम देखेंगे ये हमारे पास है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक है इसके अकॉर्डिंग हम मेटेलिक बॉन्डिंग को या हम मेटल के एक मेटेलिक मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर किस तरह से बॉन्डिंग होती है इसको हम आ, समझने की कोशिश करेंगे ठीक तो है तो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास आ गई सेकंड थ्योरी आ गई अब वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी हम जिस तरह से आगे जाके इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे यहां पर हम ये देख लेते हैं इसके अंदर ही कंसिडर किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी जो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग है यानी कि शेयरिंग का बॉन्डिंग आ जाती है ठीक है कोवलेंट बॉन्डिंग हम यहां पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग है अच्छा कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज्ड होते हैं किस तरह से लोकलाइज होते हैं हम ये देखते हैं कि जी अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ठीक है फर्ज करें सिंगल बॉन्ड है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो का वो इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहे हैं और ठीक है ना इस तरह से कार्बन ने uh, तीन और बॉन्ड्स बनाए होंगे ठीक है वो शेयरिंग के बॉन्ड्स होंगे ये शेयरिंग के बॉन्ड्स बन के क्या कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड आता है और इस तरह से वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अलावा हम इसमें क्या कहते हैं हम कहते हैं कि जी एटम्स जो होते हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं ठीक है तो जिस तरह से देखिए अगर कार्बन के बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो वो क्या करेंगे डायमंड का मॉलिक्यूल बनाएंगे ठीक है तो कार्बन के बहुत सारे एटम्स मिलते चले जाएंगे अब देखिए यहां पर भी जो है वो एक आ, एक और यहां पर बन जाएगा बॉन्ड ठीक एक और कार्बन के साथ यहां पे एक और कार्बन के साथ बन जाएगा यहाँ पे एक और कार्बन के साथ तो इसका जो हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल था ना उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स थे ना उसको तो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट करना है तो हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल जो था वो उसकी के लिए क्या करता है दूसरे आइटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है ठीक है और जब बॉन्डिंग करता चला जाता है तो हमारे पास क्या आता है एक हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ठीक है यानी कि मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बना होता है ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाती है

लेकिन जब हम बात करते हैं ये तो हमने कहा ना देखिए हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है ये लोकलाइज्ड हुए हुए इनको हमने एक जगह बिजी कर दिया फिक्स कर दिया ठीक है तो ये क्या है हम कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज है ठीक है लेकिन हमने मेटल्स में देखा था ऊपर यहां पर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते जा रहे होते हैं इसी वजह से उनके अंदर हम कहते हैं ना कि उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसी वजह से होती है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना किस वजह से क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कोवर बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि आ, एक यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया या सॉरी हम कहेंगे जो एक मॉडिफाइड वर्जन दिया गया वेल बॉन्ड थ्योरी का और जो पॉलिंग ने दिया था ठीक है चले पॉलिंग लिख देते हैं पहले कि पॉलिंग्स का फॉर्मूला था ये पॉलिंग्स फॉर्मूला तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या होता है कि रेजुनेशन या हम कहते हैं जो रेजुनेटिंग ठीक है यहां पर हम बेसिकली लिखेंगे रेजुनेटिंग वेलेंस बॉन्ड हमारे पास वेलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाती है ठीक है रेजुनेटिंग वेलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसके अंदर क्या होती है वो बेसिकली क्या होती है कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है लेकिन इसमें क्या होता है जिस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड थे लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डीलोकलाइज होते हैं ठीक है थीके? डी डीलोकेलाइज होते हैं और इसके अलावा ये भी देखिए मेटल में हमने देखा था कि ओवरऑल ये, ये सारी की सारी मेटेलिक बॉन्डिंग कहलाई कोई एक इंटरेक्शन मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं कहला रही है ना इसी तरह हम देखते हैं जो हमारे पास वीबीटी की जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर आ गई है इसमें हमारे पास जो ओवरऑल इंटरेक्शन होती है ना उसमें भी हम ये कहते हैं कि वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ठीक है इन मेटल के एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डॉटेड लाइन से शो करेंगे लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ स्टिल जो कोवर तो ये एलेक्ट्रोंस, एलेक्ट्रोंस को जो डॉटेड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही एटम्स हैं ये आपस में जो शो शेयर कर रहे हैं वो इनकी अपने जाति नहीं है बल्कि ये क्या है यहाँ पर सारे के सारों के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम फिर रहे हैं और वो एक दूसरे से आपस में शेयरिंग कर रहे हैं ठीक है तो ये हमने देखी ये हमने दूसरी थ्योरी देखी थ्योरी नंबर टू आ गई इसके अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई लेकिन इस ये भी इतने सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं दे सकी फिर आगे तीसरी एक और यहां पर आ जाती है हमारे पास हम कहेंगे हमारे पास जो थ्यूरी होती है वो हम देख लेते हैं ये हमारे पास होती है एनर्जी बैंड थ्योरी इसको भी हम देख लेते हैं ठीक है ये हमारे पास थ्योरी नंबर थ्री आ गई एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या होता है एनर्जी बैंड थ्योरी बेसिकली निकली है ये हमारे पास आती है एमओटी यानी के मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्यूरी से ठीक है यहाँ पे चले हम पूरा लिख देते हैं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है हमें पता है मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं ठीक है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे ऑर्बिटल से बनेंगे तो इसमें हम कहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लीनियरली कंबाइन करके बनाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ठीक है तो हम ये कहते हैं तो जब होता ये है कि हम यहाँ पर एक फ्लोशीट से बनाएंगे कि एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास होता है कम्बिनेशन ठीक है हमने कहा ना लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स होता है तो हम

क्लोजली स्पेस्ड होती हैं ठीक है थीके? हम यहां पर लिखेंगे कि क्या होती हैं क्लोजली स्पेस्ड जिसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान जो है वो लेस इलेक्ट्रो एनर्जी डिफरेंस ठीक है ई लिखेंगे एनर्जी के लिए लेस एनर्जी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लोज क्लोज आ जाती हैं इतनी क्लोज होती हैं देखें आ, इसको हम अगर हम बनाने की कोशिश करें थोड़ा सा यहां पर हम देखते हैं किस तरह की आ जाती हैं इतनी क्लोजली होती है कि ये इस तरह से ना आपस में इस तरह इस तरह, इस तरह आ जाती है ठीक है ये आ जाती हैं और उसके बाद कुछ ऐसी आ जाती हैं जो ऊपर थोड़ी सी मौजूद होती हैं ठीक है थीके? वो इस तरह से आ जाती हैं चले हम इसको डिफरेंट कलर से बनाएंगे यहां पे इसको बना लेते हैं इस तरह से हम बनाते हैं इसके ऊपर आ जाती हैं ठीक है इस तरह इस तरह हमारे पास आगे

अच्छा इन एनर्जी बैंड्स में से एक हमारे पास होते हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या वो हम कहते हैं कि वो पार्शली या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये क्या होता है ये आता है हमारे पास बैंड ठीक है और दूसरा बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के जा सकते हैं वेलेंस बैंड से ठीक है और वो या तो एम होता है या वो पार्शली फिल्ड होता है तो इसको हम कहते हैं कि यह आ जाता है कंडक्शन बैंड ठीक है या कंडक्टेंस बैंड आ जाता है ठीक है कंडक्शन सॉरी कंडक्शन ही कंडक्टेंस लिखेंगे हम ठीक है कंडक्टेंस बैंड आ जाता है अब होता क्या है कि आ, स बैंड और वेलेंस बैंड के दरमियान जो हमने कहा ना गैप ये गैप जो होता है ये डिफाइन करता है कि हमारे पास जो ये आ, जो सब्सटेंस है वो मेटेलिक है नॉन मेटेलिक है या हम कहते हैं सेमी मेटल है ठीक है तो किस तरह से हम कहते हैं और ये किस तरह पता चलता है? ये इस तरह पता पता चलता चलता है है ये ये इस कि गैप जब हम देखते हैं कि मेटल्स के लिए जीरो होता है यानी कि यहाँ पर कोई गैप नहीं होता हमारे पास पता है किस तरह से होते हैं ये बैंड ये बैंड इस तरह से बने होते हैं कि ऊपर वाला बैंड ये आ गया ठीक है ये हमारे पास और इसके बिल्कुल नीचे नीचे कौन सा आ गया

एमओटी से निकली थी एन वीबीटी यानी वेलर्स बैंड थ्योरी से रेजोनेटिंग वेलर्स बॉन्ड थ्योरी देखी और हमें देखी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी यहां पर हमने बात की मेटेलिक सॉलिड्स की और मेटेलिक बॉन्डिंग की डिफरेंट थ्योरीज की